हाय गाइस, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और अपने स्टूडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा समय समय पर कुछ स्कीम्स निकालकर मकान बनाए जाते हैं और उन मकानों को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किस्तों पर खरीद सकते हैं। बहुत ही कम कीमत होती है, मार्केट में जो और मकान मिलते हैं उसके मुकाबले ये मकान बहुत सस्ते में मिल जाते हैं और उसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। समय समय पर ये स्कीमें निकलती हैं, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, मतलब कि लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने का एक छोटा सा प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो आज इस वीडियो में हम सीख लेते हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके अंदर लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस है, वो सारा हम यहाँ पर सीख लेंगे। और उसके बाद आने वाले वीडियो में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे की जानकारी देता रहूँगा। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देखने वाले हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले खास निवेदन कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चलिए सीख लेते हैं कि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन कैसे किया जाता है। उसके बाद हम एक एक करके सारी चीज़ें सीखेंगे कि वो जो स्कीम है उसकी पूरी डिटेल डाउनलोड कैसे करनी है और अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लॉगिन कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, ये आ गई आपकी वेबसाइट। यहाँ पर लिखा है न्यू स्कीम, 1 मार्च से 31 मार्च तक है ये। तो यहाँ पर स्कीम का नाम दे रखा है, ये जयपुर है। तो आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करें। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर हमें लॉगिन करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम यहाँ पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा नाम लिख देते हैं, कल्पेश, मिडल नेम लिख देते हैं, जन्म तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, लैंडलाइन नंबर हमारे पास नहीं है, मोबाइल नंबर डाल देते हैं। एक नंबर और डाल देते हैं, ईमेल आईडी डाल देते हैं, यहाँ पर एक अल्टरनेट ईमेल आईडी भी डाल देंगे ताकि अगर ये काम ना करे तो दूसरी वाली काम कर देगी। यहाँ पर हम एक पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर हमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, चाइल्डहुड निकनेम, ताकि क्या होगा कि कभी हम हमारा पासवर्ड भूल जाएंगे तो इस प्रश्न के जरिए हम हमारा जो पासवर्ड है उसे रिकवर कर पाएंगे। फ्लोर और डोर बिल्डिंग, तो यहाँ पर मैं नॉट एप्लीकेबल कर लेता हूँ। रोड और स्ट्रीट, एरिया लोकेलिटी, कंट्री इंडिया, स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, और ये जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम यहाँ पर डाल देंगे।
और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों हमें जीमेल पे जाना है क्योंकि वहाँ पर हमें एक मेल आने वाला है। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक ईमेल आया हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें इस ईमेल को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर हमें क्लिक हियर टू लॉग इन, यहाँ पर हमें हमारी ईमेल आईडी डालनी है। और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ से लॉगिन करना है। तो आप दोस्तों अब देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर हमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपका राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताइए। आज तक के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सेना।